आप लोगों को पुनः इस क्लास में एक बार फिर हम समाजशास्त्र DLLB प्रथम सेमेस्टर में समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत आपको एक चैप्टर है सामाजिकरण, सोशियोलाइजेशन सामाजिकरण। सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र है जो सामाजिकरण से संबंधित रहता है। समाज और समाजीकरण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समाज के बिना व्यक्ति कल्पना नहीं की जा सकती और व्यक्ति के बिना व्यक्ति के जीवन में सामाजिकरण की भावना का उदय नहीं हो सकता। इस तरह से हम कह सकते हैं कि समाजीकरण जो है यह समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण विषय है। सोशलाइजेशन जो है समाजीकरण उस सामाजिक व्यवस्था का द्योतक है, उस सामाजिक व्यवस्था का संचालक है, उस सामाजिक व्यवस्था का परिचायक है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में अपना महत्वपूर्ण स्थान, महत्वपूर्ण योगदान देती है, उसे सामाजिकरण कहते हैं। सामाजिकरण की परिभाषा और सामाजिकरण का जो कंसेप्ट है इसके लिए समाज विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। लेकिन अगर सामाजिकरण, सामाजिक परिकल्पना की बात हम भारत में करते हैं तो भारत में अनादिकाल से समाज रहा है, उस समाज की संरचना रही है और संरचना के अनुसार सामाजिक हैसियत, लोगों की सामाजिकरण की प्रवृत्तियां रही हैं। जैसा कि हम सभी इस बात से अवगत हैं कि बिना समाज के व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है, बिना समाज के व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है। इस तरह से समाजीकरण और समाज दोनों एक प्रकार से इसको हम कह सकते हैं कि वैदिक वाक्यांश में ये सिद्धांत है कि मैं अकेला, मैं ईश्वर बहुत रूपों वाले को हो पाऊंगा। अर्थात ईश्वर और समाजीकरण का जो भावना है ये व्यक्ति के सामाजिक जीवन के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। समाजीकरण व्यक्ति समाजीकरण का परिणाम है, सामाजिकृत व्यक्ति सामाजीकरण का परिणाम है। ये कहता है सामाजीकरण तात्पर्य क्या है, सामाजीकरण कृत व्यक्ति के समाजीकरण का परिणाम है। अर्थात व्यक्ति का सामाजिक जीवन मुख्य रूप से एक दूसरे के जीवन शैली, व्यवहारों, एक दूसरे के भावनाओं को सम्मिलित करके, समाहित करके जीवन, व्यक्ति के जीवन को सुखद, सरल बनाने का जो आधार होता है समाजीकरण है। अगर हम समाजीकरण को विधिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो समाजीकरण को हम कह सकते हैं कि समाजीकरण जो है, सोशियोलाइजेशन जो है, समाजीकरण एक प्रकार से समाज की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को एक दूसरे के सहयोग, परस्पर संपर्क से जो बिताने का माध्यम है वो समाजीकरण है। समाज में कुछ सम आवश्यकताएं होती हैं, कुछ विषम आवश्यकताएं होती हैं। इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन को समाजीकरण के आधार पर आगे बढ़ाता है। जैसे
इसको हम कह सकते हैं कि सामाजिक जीवन में व्यक्ति का व्यवहार डिवीजन ऑफ लेबर के सिद्धांत पर आधारित है, तो यह बात अक्षरशः सत्य होगी। समाज में सभी चीजें सभी लोगों को समान रूप से नहीं मिलती है। जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता है, मानव जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता है कि उपयुक्त पात्र को उपयुक्त वस्तु नहीं मिल पाती है। जो जिस चीज का उपयोगी है, जो जिस चीज के लिए वह उचित है, उसको ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार कम लोगों को ही संपूर्ण परिपूर्ण हो पाता है, अन्यथा जीवन की विडंबना है कि उपयुक्त पात्र को उपयुक्त वस्तु नहीं मिल पाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम सामाजिकरण में मानव व्यवहार को अपने जीवन शैली में व्यक्ति के जीवन को ढालने का जो प्रयास है, ढालने का जो स्तर है, यह सामाजिकरण का सिद्धांत बताता है। जैसा है सामाजिकरण को हम कह सकते हैं आम बोलचाल भाषा में कि जैसा देश वैसा वेश। उस व्यवस्था के अंतर्गत, उस सामाजिक संतुलन के अंतर्गत जैसे लोग रहेंगे उसी के अनुरूप जो है उनका हाव भाव, रहन सहन, उनके जीवन शैली आदि में गुणोत्तर विकास होता है, वह सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत, समाजशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र, जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि समाजशास्त्र एक सामाजिक संबंधों का जाल है। समाजशास्त्र में कई बार पेंच ने कहा है, समाजशास्त्र एक सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संबंध से तात्पर्य है समाज में व्यक्तियों का अंतर संबंध, एक दूसरे का अंतर संबंध, एक दूसरे का ऐच्छिक संबंध, वह सामाजिक संबंध होता है। और उसी सामाजिक संबंध को समाज कहते हैं। समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, अर्थात जो सामाजिकरण का कंसेप्ट है यह समाज की व्यवस्था के अनुरूप व्यक्तियों के विचारों, सिद्धांतों, व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्ति की जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं आदि सभी को सम्मिलित करके जीवन शैली को जो बनाने का जो मार्गदर्शन होता है वो समाजशास्त्र है। देखिए समाजशास्त्र जो विषय आप पढ़ते हैं ये विधि नहीं है, विधि, विधि का संबंध समाज से है और समाज जो है मुख्य रूप से विधि का, विधि को नियंत्रित करने का, विधि को संचालित करने का एक समाज एक माध्यम है। कोई विधि आप देखते हैं, कोई विधि लागू होगी समाज पर ही लागू होगी। इस तरह से समाज और समाजीकरण और विधि तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहां तक हम देखते हैं समाजशास्त्र की परिभाषा के संबंध में, समाजशास्त्र की परिभाषा को अनेक विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है, लेकिन हम कह सकते हैं कि गिलिंग्स ने समाजशास्त्र की परिभाषा को परिभाषित करते हुए उन्होंने लिखा है कि समाजशास्त्र व्यक्ति के उन व्यवहारों, आदतों, कार्यों, भावनाओं का अध्ययन है जिसके द्वारा व्यक्ति मानव जीवन में लोकाचार परंपरा परिस्थितियां और प्रथाओं के अनुरूप अपने जीवन का निर्वहन करता है, वह सामाजिकरण कहलाता है। सामाजिकरण से तात्पर्य है व्यक्ति के सामाजिक जीवन को लोकाचार, शिष्टाचार, प्रथा के आधार पर संचालित करने का जो माध्यम है वही जो है समाज का सामाजिकरण है। अब हम सामाजिकरण की अवधारणा के बारे में हम चर्चा करेंगे। सामाजिकरण की अवधारणा से तात्पर्य है, सामाजिकरण की अवधारणा से तात्पर्य है कि व्यक्ति का जो सामाजिकरण है, धन्यवाद, व्यक्ति का जो सामाजिकरण है एक प्रकार से आप इसको कह सकते हैं कि इसको विभिन्न अभिकरणों के योगदान से सामाजिकरण को हम अध्ययन करते हैं, सामाजिकरण का हम अनुसरण करते हैं। विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से, विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से
सोशलाइजेशन जो है सामाजिकरण एजेंसी या सोशलाइजेशन जो है अभिकरण के माध्यम से सामाजिकरण का अध्ययन की जो अवधारणा है उसको हम देखते हैं तो पहला हमको मिलता है सामाजिकरण की अवधारणा में परिवार, परिवार फैमिली। व्यक्ति को सामाजिकरण होने के लिए, सामाजिकरण की अवधारणा के लिए जो जीवन का मूलभूत आवश्यकता है और सारी व्यवस्था का जो संचालन करता है वह परिवार है। परिवार के माध्यम से व्यक्ति का विकास होता है। जैसे परिवार में बच्चे बच्चा हुआ, बच्चे का संस्कार, बच्चे का पालन पोषण, बच्चे का संपूर्ण विकास, बच्चे के व्यक्तित्व का विकास, और व्यक्तित्व का विकास होने के बाद व्यक्ति सामाजिक होगा, जो सामाजिकरण की अवधारणा, सामाजिकरण के कंसेप्ट के समदारी, सामाजिकरण के विचारधारा को स्वीकार करेगा, अर्थात सामाजिकरण की जो पहली अवधारणा होती है वो हमारा परिवार है। अर्थात परिवार सामाजिकरण की पहली अवधारणा है। ठीक, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा सामाजिकरण की जो दूसरी एजेंसी, दूसरी अवधारणा है, ये हमारा पड़ोस होता है। व्यक्ति का पड़ोस होता है। पड़ोस से तात्पर्य है कि व्यक्ति जहाँ रहता है उस व्यवहार से उसके पड़ोसियों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करता है। अब आप पड़ोसी क्या है, मतलब हु इज नेबर, पड़ोसी कौन है। पड़ोसी से तात्पर्य है जो हमारे कार्यों से या हम उसके कार्यों से प्रभावित होते हैं वो पड़ोसी है। इस समय हम आपके पड़ोसी हैं, ऐसे पड़ोसी हैं जैसे हम जो बोल रहे हैं, अब आपका जो व्यवहार है, हमारे व्यवहार, हमारा व्यवहार आप प्रभावित करता है, इसलिए व्यक्ति हम आपके इस समय पड़ोसी हैं। अर्थात पड़ोसी से तात्पर्य है कि पड़ोसी समय और परिस्थितियों के अनुसार सदैव बदलते रहते हैं। पड़ोसी परिभाषा में जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं, जो हमारे बगल से आ रहा है उस समय के लिए हमारा पड़ोसी हो गया, हम बस जा रहे हैं, ट्रेन जा रहे हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं हमारे कार्यों, हमारे व्यवहारों से जो प्रभावित होता है वो हमारा पड़ोसी हो गया। इसके बाद पड़ोस का व्यवहार व्यक्ति के अंतःक्रियाओं में पड़ता है। व्यक्ति के जीवन में पड़ोस का व्यवहार अंतःक्रियाओं में पड़ता है। जैसा कि हम लैमार्कवाद के सिद्धांत से भी परिचित हैं, लैमार्कवाद का सिद्धांत है कि मतलब वातावरण का प्रभाव, पड़ोस का प्रभाव जीवन में व्यक्ति के वातावरण का प्रभाव होता है। जैसा कि आप जो विज्ञानों में पढ़े हैं, जिराफ जो एक जानवर है उसके बारे में आप सब लैमार्कवाद की परिभाषा के अनुसार वातावरण, परिवार का, पड़ोस का सीधा प्रभाव जो देखते हैं वो भी आपको वहाँ मिलता है। तीसरा है साथी। साथी से तात्पर्य है कि जो बच्चों का जो फ्रेंड होते हैं, जो उनके साथ रहते हैं, उनका व्यवहार भी व्यक्ति बच्चे के व्यवहार पर पड़ता है। मनोविज्ञान जो है कि समाजशास्त्र उनका साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक है, इसको ध्यान दीजिए। मनोवैज्ञानिक मतलब एक सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत मनोवृत्ति का अध्ययन करता है। साथी हो गया। तीसरा है जाति एवं वर्ग। परिवार को, सामाजिकरण को, व्यक्ति के सामाजिकरण को बनने में जाति और धर्म का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। जिस जाति और जिस धर्म का व्यक्ति है उसकी सामाजिक स्तर, सामाजिकरण जो है, सामाजिक व्यवस्था लगभग उसी के अनुरूप होगी। उसका एक कारण है, उसका एक कारण ये भी है कि व्यक्ति का जो प्रथम सिद्धांत होता है जीवन का वो अपना जाति, अपना धर्म है। जिस जात ने जो जन्म लिया है और जिस धर्म में जन्म लिया है उसी धर्म और जात से संबंध रखने वाले ज़्यादातर लोग उस व्यक्ति के विचारों को, भावनाओं को प्रभावित करते हैं। तीसरा है, अगला पॉइंट आपको मिलेगा स्कूल। स्कूल से तात्पर्य है जो इंस्टीट्यूशन है, जो संस्थाएं हैं, संस्थाओं में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, बच्चे के व्यक्तित्व का विकास संस्थाओं के माध्यम से होता है। स्कूल भी सामाजिकरण का महत्वपूर्ण साधन होता है। इसके बाद है सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक संस्थाएं जो अन्य सामाजिक संस्थाएं हैं
अन्य सामाजिक संस्थाएं, मतलब जैसे धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं में जैसे छोटे छोटे मठ हैं, छोटे छोटे जो है कि धार्मिक कर्मकांडों के